सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकने से भगवान नहीं मिलते। मुसीबतें सुई से भरी थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। आज का पंचांग 9 अगस्त 2020 दिन रविवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि, सुबह 6:44 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र शाम 7:06 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल यानी दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:16 से 6:53 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर शाम 7:06 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 9 अगस्त 2020 दिन रविवार, पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास डगमगा गया है। इसके चलते आज कोई भी काम खुशी से और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराश महसूस करेंगी, लेकिन चिंता ना करें, यह अस्थायी चरण है और आप जल्द ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगी। नजदीकी रिश्तेदारों के आगमन से परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। विद्यार्थी अपनी मेहनत के उचित परिणाम मिलने से राहत महसूस करेंगे। कोई महत्वपूर्ण यात्रा से संबंधित योजना बन सकती है। आपके लिए दिन आज कुछ खास रह सकता है। पर्सनल लाइफ में कोई अच्छा अचीवमेंट मिलने के योग हैं। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए दिन प्रोफेशनल तौर पर भी बहुत लाभकारी रहने वाला है। कोई अच्छी सूचना आपका इंतजार कर रही है। संभव आपको अपने कार्य स्थल पर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या तरक्की मिल सकती है। आपको किसी मित्र या करीबी व्यक्ति से कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। सावधानियां, परिवार के किसी व्यक्ति की विवाहित जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न होने से चिंता रहेगी। बाहरी व्यक्तियों का घर पर हस्तक्षेप ना होने दें, इससे परिस्थितियां और भी गंभीर हो सकती है। लव लाइफ की बात करें तो आज अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताएं। दिन आलस और आराम से भरा रहेगा। अगर आप कुछ स्पेशल करने की योजना नहीं भी बनाते तब भी आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर इसे स्पेशल बना लेंगी। आज महत्वपूर्ण मुद्दों को भी एक तरफ रखकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लें। आपको संतुष्टि और काफी आनंद महसूस होगा। करियर की बात करें तो आपके भावनात्मक व्यवहार की वजह से आपका कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। आप इसके आदि हो चुके हैं और इससे छुटकारा पाने में आपको समय लगेगा। अपनी इस संवेदनशीलता का आसपास के अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति रहकर उनका लाभ आप उठा सकते हैं। खाली समय में अचल संपत्ति में निवेश के लायक जगह आप तलाश सकते हैं। सेहत की बात करें तो आपको अच्छा महसूस होगा कि सेहत का संबंध शरीर के बजाय मन से अधिक है। आप इसे समझने के बाद अपनी चिंता तथा तनाव से छुटकारा पाने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे और इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बल्कि प्रवृत्ति में भी सुधार होगा। कोई प्रेरणादायक टेप सुने या आरामदायक मसाज की योजना बनाए। त्वचा संबंधित छोटी समस्याएं जैसे मुहासे आदि आपको परेशान कर सकती हैं। आज का उपाय, आज आप घी का दान करें।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।